वेलकम दोस्तों, अभी ये वीडियो में जानने वाले हैं डिजिटल मीटर के बारे में, क्लेमीटर के बारे में। डिजिटल क्लेमीटर है, ये दोनों में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कौन सा बेस्ट क्लेमीटर होता है, हमें लेना चाहिए। जो भी एसी टेक्नीशियन है, काम करते हैं, उनके लिए बेस्ट एडवाइस हम करेंगे, जिससे आपको कहीं पर भी कंप्लेंट काम करने जाते हैं एसी का, वहाँ पर कई बार आता है कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, मोटर स्टार्ट नहीं होता है। तो नॉर्मली मीटर से हम वायरिंग तो चेक कर लेते हैं, बट हम कैपेसिटर नहीं चेक कर पाते हैं। नॉर्मल हमारे पास जो मीटर रहता है, जैसा कि ये नॉर्मल मीटर है, इस पर हम रख करके करंट भी चेक कर लेते हैं, ओम चेक कर लेंगे, एम्पियर वोल्टेज वगैरह चेक कर लेते हैं। ये फीचर हमें नॉर्मल ज़्यादातर सभी में देखने को मिलता है, बट इसमें जो है क्या एडवांस है ये हम देखते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि नॉर्मल कंटिन्यूटी में चेक करने को है, वोल्टेज, एम्पियर, एसी डीसी है, बट यहाँ पे जो है इसमें फंक्शन मैक्स एक्स्ट्रा कुछ लाइट वगैरह फंक्शन दिया हुआ है, ऑन ऑफ दिया हुआ है। बट इसे यहाँ पे सिंबल आप देख सकते रहेंगे, ये सिंबल जो है कैपेसिटर का सिंबल रहता है। अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जो सिंबल रहता है कैपेसिटर का सिंबल रहता है, यहाँ इसमें नहीं है, इसमें रहेगा। ओके, यहाँ पर देख सकते रहेंगे, यहाँ पर जो है कैपेसिटर का सिंबल देख सकते रहें दिया हुआ है बीच में लगा करके, तो सेम यहाँ पर भी देख सकते रहेंगे सर, बीच में दिया हुआ है कैपेसिटर का सिंबल रहता है। तो ये जो मीटर है, ये मीटर से हम कैपेसिटर चेक कर सकते रहेंगे, एक्यूरेट जो है कैपेसिटर सही है या ख़राब है, कितना मेमोरी का कैपेसिटर है। कई बार रहता है ये जो कैपेसिटर हमारा मिल जाता है, कलर वगैरह मालूम नहीं चलता है, तो हम कैसे लगाएंगे कितना मेमोरी का कैपेसिटर है। नहीं तो नंबरिंग रहता है ज़्यादातर, तो उसको हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं कितना मेमोरी का कैपेसिटर रहेगा, क्या रहेगा, ये चीज़ हम जान लेते हैं। बट इसे नॉर्मल रहता है, इस पर हम नहीं जान पाते, देख पाते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है, ये क्लेमीटर है। इसमें हम मीटर से हम आपका कैपेसिटर चेक कर सकते रहेंगे, ज़्यादातर काम ले सकते रहेंगे। जो हमारे टेक्नीशियन भाई को लोग की प्रॉब्लम हो जाता है कैपेसिटर चेक करने के लिए, सही है या ख़राब है, या उसे सीरीज में टार्क देना पड़ता है, पावर देना पड़ता है चेक करने के लिए, तो भी हम चेक करके दिखाते हैं क्या एक्यूरेट बताता है या सही बताता है नहीं। पहले हम यहाँ पर चालू कर लेते हैं, तो नॉर्मल हम एम्पियर है 40 एम्पियर, 4 एम्पियर, ये है जैसे डीसी एम्पियर जो दिया हुआ है, डीसी वोल्टेज दिया हुआ है, जैसे डीसी दिया हुआ है, और इसे हम यहाँ पे लेते हैं, ये एसी वोल्टेज लिखा हुआ है, जैसे एसी वोल्टेज लिखा हुआ है, ये बजट दिया फंक्शन किलो ओम से दिया हुआ है, मेगा ओम से दिया हुआ है, ये फंक्शन है यहाँ पर करेगा, इसे हम चालू कर देते हैं, इसके अंदर लाइट आ जाता है जिससे और काम रहेगा। ये बजट यहाँ पर चेक कर सकते रहेंगे, और मैक्सिमम मिनिमम ये दिया हुआ है, जो भी फंक्शन यहाँ पे भी काम करेगा। ओके, ये चीज़ हो गया है। उसके बाद हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं घुमाकर कैपेसिटर पे, जैसे दे रहेंगे फैराड दिया हुआ है, यान एफ दिया हुआ है, और यहाँ पे लाइट इंडिकेट दिया हुआ है फंक्शन, हम चालू कर लेते हैं। ये 00 है, ये भी हमारे 00 है, और कैपेसिटर हम चेक करेंगे। वो चीज़ इसमें कैपेसिटर चेक करने के लिए जो नॉर्मल रहता है, उसमें ये फंक्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें हम कैपेसिटर वगैरह नहीं चेक कर पाएंगे। जैसे इसमें जो है, इसमें फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन इसमें भी है, कैपेसिटर चेक करना है, बजर करना है, या कुछ भी है, ये फंक्शन दिया रहता है। बट तो नॉर्मली जो है, इसके अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है, वो फंक्शन एडवांस ये कैपेसिटर का नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर वोल्टेज है, ये डीसी है, एसी है, या नॉर्मल तो रहता है, सभी पे चेक करने के लिए दिया रहता है। तो अभी हम इसे ऑफ करते हैं और इसे यूज करते हैं, कैपेसिटर हम चेक करके दिखाते हैं आपको, कैपेसिटर सही में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि जो आप खरीदने जाएंगे एडवाइस से, कभी भी आप अगर नया डिजिटल मीटर खरीदने जाते हैं, तो हम एडवाइस करेंगे आप ये वाला खरीदें, न कि ऐसा वाला खरीदें। तो इसके लिए आपको हम कंफर्म दिखाते हैं कितना एमएफडी का क्या है। तो देख सकते रहेंगे, ये अभी कितना है, 11 एमएफडी का, देख सकते रहें 11 UF लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस माइनस 5% है, 450 वोल्टेज है, प्लस माइनस 5% दिया हुआ है, 11 UF है, और हमने कहाँ पर रख लिया इसे, देख सकते रहेंगे, रखा है हमने कैपेसिटर मोड पर रख लिया है। अभी ये 00 है, आप देख सकते रहेंगे, नॉर्मली ये 00 है, लास्ट में है, पॉइंट है, आ रहा है, तो नो प्रॉब्लम, ऐसे हम 0 ले लेते हैं ये। ओके, कैपेसिटर आ गया है, ये फारेनहाइट में, ये लास्ट में पॉइंट देख चुक रहा है, ये नो प्रॉब्लम। बट यहाँ से हम ये पॉइंट यहाँ पर लगा लेते हैं, और दूसरा कैपेसिटर का पॉइंट पे यहाँ पर लगा लेते हैं। अभी देख सकते हैं कितना ये शो कर रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये कितना शो कर रहा है, 11 UF शो कर रहा है ये,
कितना ऐसा करा 11.65, जो 5 था उसका हमारा ऑलरेडी पहले से ही था, बट ये जो 11 शो कर रहा है 11 जो, और ये कितना है 11 का है। अब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 11, L1 लिखा हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पर L1 लिखा हुआ है, L1 UF है, और यहाँ पर शो कर रहा है L1 UF, यानी कि ये सही बता रहा है, यानी कि ये जो कैपेसिटर सही माना जाएगा। इसे चेक करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कहीं पे भी कोई सा भी वायर कहीं पे भी लगा करके इसे हम चेक कर सकते रहेंगे। अब जैसे अभी मेजर करेगा आप, ये तुरंत मेजर नहीं करता है, थोड़ा टाइम थोड़ा सा 2-5 सेकेंड टाइम लेता है मेजर करने के लिए। चीज़ हो गया, आपने देखा कन्फर्म ये 11 का था, 11 बताया। और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये कितना है, और ये सब क्लियर नहीं रहेगा आपको, यहाँ पर देख सकते रहेंगे दो, यहाँ पर जो मल्टी कैपेसिटर दिया हुआ है यहाँ पे 6 और 15 है, 6 UF का है और 15 UF का है, दो के दोनों यहाँ पे है एक ही में। इसे भी हम चेक करके आपको दिखाते हैं, देखते कोई डाउट नहीं कन्फ्यूजन नहीं। ये देखिए हमने लगा लिया, ये चार वायर है जिसमें से एग्जाम्पल हम कैसे मालूम चलेगा कौन सा कितना कैपेसिटर है, क्या है कलर कोड है। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है इसमें जानने के लिए देखने के लिए दिया हुआ है कौन सा कहाँ पे, ये C1 लिखा हुआ है और नीचे C2 है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे C1 और C2 में क्या कौन सा है। तो फर्स्ट में जो दिया हुआ है C1, ये जो दिया हुआ है 5-6 UF का है, यहाँ पर कलर दिया हुआ है पर्पल कलर और ब्लू कलर दिया हुआ है, ये 6 UF का है, पर्पल और ब्लू हम चेक करेंगे 6 UF आएगा। तो पर्पल और ब्लू ये रहा, पर्पल और ब्लू, इसे हम चेक करते हैं कितना आता है, देखते हैं ये रहा पर्पल और ये रहा ब्लू। अभी हम चेक करते हैं कितना बताएगा, 5.97 कर रहा है, 5.97 कर रहा है, ये देख सकते हैं ये 5.97 कर रहा है, कितना है 6 UF का है, ये कितना है 6 UF का है। यहाँ पर 5% जो है प्लस माइनस दिया हुआ है, तो नो प्रॉब्लम, इतना डाउट कर सकते रहेंगे, यानी कि ये सही बता रहा है, ये कैपेसिटर अभी सही है 5.9 है, यानी कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंस हो सकता रहेगा, लो हो सकता रहेगा, बट टार्क सही है चलेगा। उसी तरह से अभी हम चेक करते हैं 15 UF का, 15 UF में येलो और ऑरेंज वायर है, तो यहाँ पर देखते रहेंगे येलो और ऑरेंज है, येलो और ऑरेंज हम लगाते हैं, ये हमने लगाया येलो और दूसरा वायर हमने लगाया ऑरेंज, येलो और ऑरेंज पर लगाया, अभी मेजर करके बताएगा 15 UF, देख सकते रहेंगे एक यहाँ से थोड़ा लूज हो रहा है, ये इसकी वजह से थोड़ा सही नहीं बता रहा है, ये देख सकते रहेंगे 15 येलो और ऑरेंज पर वायर लगा हुआ है, ये थोड़ा सा इसको हम एक बार और निकाल कर देख सकते हैं, जैसे 15 बता रहा है ये, ओके ये कितना है 15 UF है, देख सकते रहेंगे सही, ये करेक्ट बता रहा है, ये तुम्हें कोई डाउट नहीं है, ये जो मीटर सही रेंज बता रहा है 15 UF बता रहा है, ओके तो ये कैपेसिटर सही है, ये भी कैपेसिटर सही है, समझ लिया आपने। पहले हमने देखा 11, ये भी सही बताया है, ये 15 है, ये भी सही बताया है। और अभी हम आपको दिखाते हैं कुछ डिफरेंस, ये देख सकते कितना है 0.95 UF है, ये कितना है 0.95 UF है, इससे हम चेक करते हैं, ये हमें 0.95 है, 95 हमें बताना चाहिए यानी कम बताना चाहिए, तो यहाँ पर इसको हमें लगाया एक, और दूसरा वायर हम यहाँ पर लगा लेते हैं, अब ये मेजर करेगा देख सकते 0.98 बता रहा है, ये 95 था 98 बता रहा है, और ये कितना है 95 है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा वेरी हो सकता रहेगा, 2 पॉइंट होता है तो चलेगा, 95 है 98 इसमें बता रहा है, सही है, देख सकते रेडिक्स कैपेसिटर सही है, आप समझ सकते रहेंगे, ये हो गया हमने जान लिया। उसके बाद एक कैपेसिटर है यहाँ पर हमें मालूम नहीं चला है कितना UF का है, देख सकते लिखा हुआ है कुछ शायद क्लियर नहीं चल रहा है, समझ सकते रहे एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर हम इसको लगा के देखते हैं ये कितना UF का है, यहाँ पर हमने लगाया और यहाँ पर देखते हैं, ये देख सकते 1.1 UF लिखा हुआ है, 1.1 UF है, यानी कि ये 1 UF का है। तो अभी हम एक्यूरेट करके देखते हैं सही तरीके से कितना है ये, हाँ तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 1.10 है, देख सकते 1.10 UF लिखा हुआ है, यानी कि ये सही है 1.10 है, तो 1.4 दिखा रहा है, तो नॉर्मल है, करेक्ट दिखा रहा है ये भी,
सकते हैं, थोड़ा सा एक दो पॉइंट हम इसको इग्नोर कर सकते रहेंगे। सही है, ये चीज़ हो गया। जैसे सभी कैपेसिटर सही है, कोई साइज बताया। इसी तरह से यहाँ पर है, देख सकते रहेंगे कितना है, और एक 10 UF का है और 4 UF का है, देख सकते रहेंगे 10 UF है और 4 UF है। इसे हम भी चेक करके दिखाते हैं, 10 और 4 है, तो 10 और 4 यहाँ पर देख सकते रहेंगे। पहले हमें कौन कौन सा कलर कहाँ पर है ये अगर नहीं मालूम है, यहाँ पर हम लगा के चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में चेक करेंगे येलो और पर्पल, ये हमने येलो लगाया और उसके बाद हमने लगाया पर्पल, तभी ये मेजर कर रहा है 5 UF मेजर किया। तो यहाँ पर कितना है ये 4 है, 4 UF है, जैसे ये 4 UF है, तो समझ सकते रहेंगे ये 5 कर रहा है। तो एक दो पॉइंट जैसे कि हमने बताया, एक दो पॉइंट कोई मायने नहीं रख सकता है, ये चलेगा सही है ये, ओके आप अंदाज़ा लगा सकते रहेंगे उनको। उसी तरह से और दूसरा है, इसमें चेक करते हैं जो 10 का था, वो 10 का बताता है या नहीं बताता है। दूसरा हमने चेक करना है कौन सा, येलो चेक कर लिया था, अभी हमें ग्रे, यहाँ पर लगाया है ग्रे और उसके बाद है ग्रीन, ग्रे लगाएंगे और एक ग्रीन पर लगाएंगे। अभी देख सकते हैं कितना शो कर रहा है इसमें, ये जो है ग्रे और ग्रीन, ये सही शो नहीं कर रहा है, 3.6 रीडिंग कर रहा है ग्रे और ग्रीन। तो यहाँ पर देख सकते रहेंगे ग्रीन और ग्रे, ये कितना है 4 UF है, ग्रे और ग्रीन जो है 4 UF है, क्योंकि ये 3 शो कर रहा है, 3.6 शो कर रहा है। उसके बाद हम लगाते हैं पर्पल और येलो, पर्पल और येलो लगाया, कितना मेजर किया 5 किया है ये, यानी जो 10 UF था 10 की जगह इसने 5 शो किया है, मेजर किया है, यानी कि ये कैपेसिटर खराब है, ये कैपेसिटर जो है सही नहीं है, इसका जो है टार्क वीक है, ये इस तरह से अंदाजा लगा सकते रहेंगे, ये खराब वीक है, सही रहता है, सही तरीके से ये बताता है। ओके दूसरा और भी है, हमें चेक करा लेते हैं आपको, यहाँ पर 10 UF है और 4 UF है ये, ओके 10 UF है और 4 UF है, यहाँ पर 10 UF 4 ये कौन सा है इसे हम चेक कर लेते हैं, कोई कलर कोड नहीं है। यहाँ पर हमने लगाया रेड पर लगाया है, और दूसरा हम लगा लेते हैं ग्रीन पर लगा लेते हैं, ये रेड और ग्रीन पर लगाया है, तभी कितना मेजर करता है ये 4 UF मेजर करता है, 4 जैसे 0.4.0 है, तो रेड और ग्रीन जो लगाया 4.0 है, यहाँ देख सकते रहेंगे अभी 4 UF लगा हुआ है कैपेसिटर है एक, ओके ये सही है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं येलो और ग्रे, येलो और ग्रे चेक किया, तभी देखते हैं कितना शो करता है ये 9.9, देख सकते हैं 9.9 शो कर रहा है ये 9.9, ये कितना है 10 है, देख सकते हैं 10+4 है, ये भी सही है। तो कुछ इस तरह से चेक कर सकते रहेंगे कैपेसिटर वगैरह है, सही है ख़राब है, कौन सा कैपेसिटर का क्या चीज़ें हैं। तो ऐसा करते हैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिला है इस तरह से जानकारी के लिए हमसे जुड़ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने को जो बेल है उसे ऑन कर सकते रहेंगे। तो आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप ये मीटर को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप विजिट करके बाय कर सकते रहेंगे, बेस्ट रहेगा हमारे नए टेक्नीशियन भाई लोग के लिए, जो भी नॉर्मल टेक्निकल वर्क करते हैं उनके लिए, कैपेसिटर आइडेंटिफाई करने के लिए, चेक करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए। तो इसी तरह जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने में जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन उसे ऑन जरूर करें। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।